टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर संग्राम छिड़ता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एक बार फिर से टीपू सुल्तान के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ चुके हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक अभय्या ने मैसूर हवाई अड्डे का नाम टीपू सुल्तान हवाई अड्डा करने की मांग कर दी है। कर्नाटक विधानसभा में 4 हवाई अड्डों के नाम बदलने का एक प्रस्ताव लाया गया और उसी दौरान अभय्या ने यह मांग की है, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा शुरू कर दिया है। तो एक बार फिर से कर्नाटक में टीपू सुल्तान के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक अभय्या ने मैसूर हवाई अड्डे का नाम टीपू सुल्तान हवाई अड्डा करने की मांग की है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है इस वक्त। टीपू सुल्तान का नाम एक बार फिर से चर्चा में। दरअसल वजह है कि कर्नाटक विधानसभा में 4 हवाई अड्डों के नाम बदलने का प्रस्ताव आया और उसी दौरान कांग्रेसी विधायक अभय्या ने यह मांग की कि मैसूर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाए, और एक नाम जो लगातार विवादों में था और जबरदस्ती इसका महिमा मंडन करने का आरोप बीजेपी की ओर से लगातार पहले भी लगाया गया, और इसीलिए भी बीजेपी के विधायकों की ओर से विधानसभा में हंगामा शुरू हुआ जब कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि टीपू सुल्तान के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। कोई पहली बार नहीं है जबकि टीपू सुल्तान के महिमा मंडन को लेकर बीजेपी आक्रोशित दिखाई दी है, और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है। लेकिन अब मैसूर एयरपोर्ट का नाम बदलने के प्रस्ताव पर घमासान दोनों ही पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो कर्नाटक में बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी ने भी कांग्रेस विधायक के प्रस्ताव पर जमकर नाराजगी जताई और दो टूक सुनाते हुए और चेतावनी दे दी कि अगर टीपू सुल्तान के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा गया तो बीजेपी इसके विरोध में सड़क पर उतरेगी। तो कर्नाटक में बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी ने भी कांग्रेस विधायक के प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की है और ये भी कह दिया कि अगर टीपू सुल्तान के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा गया तो बीजेपी इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगी। तो टीपू सुल्तान के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। कर्नाटक में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी विधायक मुनिस्वामी ने मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दे दी है कि बीजेपी रुकेगी नहीं, विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी। ये पहला मसला नहीं है जब टीपू सुल्तान के नाम को लेकर के विवाद हुआ हो, इससे पहले हमने महाराष्ट्र में भी देखा है। और अब जब यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि हवाई अड्डे का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होगा, इस पर कांग्रेस विधायक के प्रस्ताव पर मुनिस्वामी ने भी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने ये प्रस्ताव दिया कि टीपू सुल्तान के नाम पर मैसूर एयरपोर्ट बदलना चाहिए, मैसूर एयरपोर्ट के नाम बदलने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर बीजेपी ने जमकर कोसा है कांग्रेस को और ये कहा है कि सड़क पर उतरेगी। तो बवाल मचा हुआ है टीपू सुल्तान के मुद्दे पर कर्नाटक में। मैसूर एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव कांग्रेस के विधायक द्वारा दिया गया है। टीपू सुल्तान के नाम पर एयरपोर्ट की मांग की गई है, जिस पर अब बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। तो टीपू सुल्तान पर एक बार फिर से घमासान। वैसे कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर हुआ ये विवाद जो है वो नया नहीं है। दरअसल इसकी शुरुआत 2016 में ही हो चुकी थी। हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस विवाद में किस किस तरह की बातें अतीत में भी आई है। जब सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाना शुरू किया था, तब से ही ये घमासान देखने को मिल रहा है। कर्नाटक और उसके पड़ोसी महाराष्ट्र में दोनों में कांग्रेस और बीजेपी टीपू सुल्तान के मुद्दे पर लगातार आमने सामने पहले भी आते रहे, जबकि हिंदुवादी संगठन दावा करते हैं कि टीपू सुल्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं थे बल्कि एक असहिष्णु और निरंकुश शासक था। 2015 में आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में भी टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में बकायदा एक लेख छापा गया था, जिसमें टीपू को दक्षिण का औरंगजेब तक करार दिया गया था।